गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से निशा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन का फर्स्ट लेसन वह शक्ति हमें दो पढ़ूंगी, जो कि एक कविता है जिसके कवि श्री मुरारी लाल शर्मा देशबंधु जी हैं। वह शक्ति हमें दो एक प्रार्थना प्रेयर है। प्रस्तुत प्रार्थना में कवि ने ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास दिखाया है। कवि कहते हैं कि प्रार्थना मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। वह मनुष्य में दया, ममता और मिलजुल कर काम करने की भावना आदि गुणों का विकास करती है। बच्चों, आप जब स्कूल जाते हो तो सबसे पहले आप वहाँ प्रेयर करते हो, और कभी आपको भगवान जी से कुछ मांगना होता है या उन्हें किसी बात के लिए थैंक यू बोलना होता है तो आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हो ना। तो ऐसे ही इस प्रार्थना में कवि ने सभी का भला करने की कामना व्यक्त की है। चलिए अब मैं कविता पढ़ती हूँ, आप लोग भी अपनी बुक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। पढ़ने के साथ साथ ही मैं कठिन शब्दों के अर्थ और भावार्थ भी बताती जाऊंगी। चलिए अब पढ़ती हूँ। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। दया निधे का अर्थ है ईश्वर, गॉड। कर्तव्य का अर्थ है ड्यूटी। बच्चों, हमारी समाज सोसाइटी के लिए और अपने देश कंट्री के लिए कुछ ड्यूटीज़ होती हैं ना, जिन्हें हमें पूरा करना ज़रूरी होता है, उन्हें कर्तव्य कहते हैं। पर सेवा दूसरों की सेवा, पर उपकार मतलब दूसरों की भलाई, और जग का अर्थ है दुनिया संसार। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति ताकत दीजिए कि हम हमेशा अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहें, अर्थात हम हमेशा ही अपने कर्तव्यों का पालन करें। पर सेवा पर उपकार में हम हमेशा दूसरों की सेवा और भलाई करें। हमें दूसरों की सेवा करते हुए, दूसरों का भला करते हुए अपना जीवन तो सफल बनाना ही है, साथ ही पूरे संसार के लोगों का जीवन भी सफल बनाएं। यहाँ कवि सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोच रहे हैं, बल्कि पूरे संसार के बारे में सोच रहे हैं। चलिए अब आगे पढ़ती हूँ। हम दीनहीन निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। दीनहीन उन्हें कहा गया है जो गरीब हैं, दुखी हैं। निबलों का अर्थ है कमज़ोर, और विकलों का अर्थ है जिनके किसी अंग में दोष हो, हैंडीकैप्ड। तो कवि प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हमें ऐसे लोगों की सेवा करें जो गरीब और दुखी हैं, कमज़ोर हैं और शरीर से विकलांग हैं। हम अपनी सेवा के द्वारा उनके कष्टों और दुखों को दूर करें। जो हैं अटके भूले भटके, और जो राह से भटक गए हैं, यानी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अपना आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया है, ऐसे लोगों का उद्धार करें। यहाँ कवि का कहना है कि ऐसे लोगों के कष्ट दूर करने से उनका खुद का जीवन भी तर जाएगा, मतलब उनका भी उद्धार हो जाएगा। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाएं। छल का अर्थ है धोखा, दंभ का घमंड, द्वेष मतलब ईर्ष्या, जलन, पाखंड का अर्थ है किसी बात का झूठा दिखावा करना,
और शुचि का अर्थ है पवित्र, प्योर। तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हम हमेशा ही धोखा, घमंड, ईर्ष्या, बनावटीपन, झूठ और अन्याय से दूर रहें, अर्थात हम कभी किसी के साथ धोखा ना करें, कभी भी अपने पर घमंड ना करें और ना ही अपने मन में दूसरों के लिए जलन की भावना रखें और हमेशा ही सबके साथ न्याय करें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, यहाँ कवि चाहते हैं कि हमारा जीवन सादा और सरल हो और हम सभी प्राणियों पर पवित्र प्रेम रूपी अमृत रस बरसाएं। कहने का मतलब है कि हम शुद्ध सरल जीवन जीते हुए सभी के साथ प्यार से रहें। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। निज का अर्थ है अपना, मर्यादा सम्मान सीमा, और बलिदान का अर्थ किसी अच्छे काम के लिए अपने प्राण देना, सेक्रीफाइस करना। अंत में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, हम जो भी काम करें, हम अपने सम्मान, अपनी शान और अपनी सीमाओं का पूरा ध्यान रखकर करें, पर इसके साथ ही कभी भी अपने स्वाभिमान को ठेस ना लगने दें। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाएं। अंत में कवि का कहना है कि जिस देश में हमने जन्म लिया है, हम उसी पर न्योछावर हो जाएं, अर्थात समय आने पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हम पीछे नहीं हटे। तो बच्चों, देखा आपने कितनी सुंदर कविता है। अब आप इस कविता को याद कर लीजिए। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। हमें ईश्वर ने एक बनाया है, हमें एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए, हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अगर कभी अपने देश की रक्षा और सम्मान के लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। तो अब आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने से बस होगा यही कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और फिर मैं और ज़्यादा उत्साह के साथ आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाऊंगी। अब आप सब अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। अब हम एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।